Good afternoon, everyone. Welcome back to another sunshine day, और welcome to Like to Rumble once again. तो आज थोड़ा sad हूँ क्योंकि फिर से वापस जाना पड़ रहा है नोएडा. तो दुर्गा पूजा तो घूम लिया. अगर आपने मेरा चैनल देखा होगा वहाँ पे बहुत सारा शॉर्ट्स अपलोडेड है साउथ कोलकाता नॉर्थ कोलकाता का दुर्गा पूजा लेके. और सियालदा से राजधानी एक्सप्रेस में मैं जा रहा हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन. तो यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? एनवीटी का तो बहुत ही घटिया था. तो कुछ भी सही नहीं था यार. आप वीडियो देख सकते हो, मेरा बाइक का पीछे का नंबर प्लेट टूट गया, बाइक पूरा गिरा हुआ था बोगी में. इट वॉज़ कम्प्लीटली बैड एक्सपीरियंस. बट सियालदा राजधानी में देखते हैं कैसे होता है. तो सारे डिटेल्स मैं शेयर करूँगा इस वीडियो पे. आप लोगों के साथ बात करते करते मैं पहुँच गया तारा तला. यार घर आने के टाइम पे जो एक्साइटमेंट था, जितना एनर्जी था, मैं जब जा रहा हूँ सिंपली रोना आ रहा है. तो मेरा ट्रेन है 4:50 और अभी मैं जा रहा हूँ, अभी वजह है 12:44. तो आई बिलीव लास्ट टाइम जो एक्सपीरियंस था उसने बोला था 6 घंटा पहले जाने के लिए, बट 6 घंटा पहले जाने की ज़रूरत नहीं होता है, 3-4 घंटा पहले से जाने से ही काम बन जाता है आराम से. तो इसलिए मैं थोड़ा लेट ही जा रहा हूँ. सो होपफुली कोई प्रॉब्लम ना हो. मैं राजधानी से सफ़र कर रहा हूँ तो राजधानी में ही मैं अपना बाइक को लेके जाऊँगा. इसका क्या एक्सपीरियंस रहता है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, कैसे पैकेजिंग रहता है, बाइक कैसे पैक करता है ये लोग, उसका चार्जेस क्या है. मैं जब आया था तो ANVT से लिया था, तो मेरा लिया था 2786 रुपये, मतलब 2786 रुपीस फॉर बाइक ओनली. लेकिन जब राजधानी से मैं लेके जाऊंगा उसका क्या चार्जेस है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा. वो तो अभी खैर मुझे भी मालूम नहीं है कि कितना चार्ज लेगा वो लोग, तो वो जाके पता चलेगा. तो फाइनली मैं पहुंच गया विक्टोरिया मेमोरियल के सामने. तो मैं आपको दिखाता हूँ विक्टोरिया. ये रहा विक्टोरिया, वो दिख रहा है कोलकाता का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग, 42-स्टोरी बिल्डिंग है वो. और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे रविंद्र सदन, नॉन्दोन थिएटर, कोलकाता का सबसे पुराना सिनेमा हॉल. और बताओ आप लोग कैसे हो, सब कुछ कुशल मंगल है? चलो मेरा तो मन ख़राब है, क्या करे, लौट के जाना पड़ रहा है फैमिली को छोड़ के. लेकिन आप लोग तो अच्छे हो ना, खुश हो ना? तो वीडियो में बने रहो, पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे. जिस जिस भाई का रॉनिन है वो लोग तो देख ही लो ये वीडियो, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मालूम चल जाएगा. तो चलो आगे से मैं ले लूँगा लेफ्ट और सीधा चला जाएगा पार्क सर्कस फ्लाईओवर के साइड पे, और मैं जाऊँगा लेफ्ट सियालदा के साइड पे. ये चला गया मैं लेफ्ट. अभी मौलाली होके मैं पहुँचूँगा सीधा सियालदा रेलवे स्टेशन. तो फाइनली पार्सल एंट्री वाला लाइन पे पहुँच तो गया मैं. आई एम नॉट श्योर, यहाँ पे तो दिख तो रहे ट्रेन वगैरह, सर्विसिंग वगैरह हो रहा है, होपफुली यही होगा, है ना? ये दिख रहा है सियालदा लाल गोला, आई थिंक यही है. अच्छा नहीं लग रहा है यार, लास्ट टाइम ट्रेन स्टेशन आया था तो बहुत सही लग रहा था, बट दिस टाइम गोइंग बैक नॉट फीलिंग वेल, वेरी सैड. यही है पार्सल वाला एंट्री. यही वाला लेके जाना. हाँ, पैकिंग करके गाड़ी में भरने का खर्चा अलग है, रेल का भाड़ा आपको अलग. कितना खर्चा, कितना है पैकिंग करने का? पैकिंग करने गाड़ी में भरने का 600 रुपये लगता है. 600 रुपये लगेगा पैकिंग करने का गाड़ी में भरने का. अच्छा, उसके बाद जो रेल का भाड़ा होगा आपको डिग्गी में लिखा मिलेगा वो देखते. लेकिन लोग है कहाँ, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं. खाता लगा है बलिया. पहुँच गए सियालदा रेलवे स्टेशन और
ऐसा है नज़ारा, ये पूरा कंप्लीट जोन है पार्सल, और ये है मेरा रोनिन इधर। अभी इसको पैक करना है, सबसे पहले तो टैंक ही खाली करना है। तो भैया आ रहा है, देखते हैं कितना पैसा वगैरह लेते हैं, बात करते हैं। ₹6,000 पैकिंग लोडिंग। और ये तेल भी तो आप ले रहे हो? हाँ, तेल आपका तेल है, आप ले जाइए, हम खाली कर देंगे। तेल लेके कहाँ जाऊँ, वही तो बात है। यहाँ पे नहीं नहीं करके 2-2.5 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल है, 3-4 लीटर पेट्रोल होगा, तो उसका भी तो कुछ कंसेशन मिलना चाहिए। हाँ, हम लोग का गाड़ी घोड़ा यहाँ पर है ना, हम लोग तो बिहार का है। हाँ, हम लोग तो बिहार का रहने वाला है। तो आप लोग बिहार का रहने वाला है, आप लोग तो बेचते हो तेल, कोई बंदा यहाँ पे आता है तो पेट्रोल पंप तो जाता नहीं है, आप लोगों से ही तेल लेता है, तेल लेके इधर से जाता है फिर बाहर। यहाँ गाड़ी आता है ना तो उधर जाता है। तो कितना दे आपका, कितना तेल होता है उसके बेसिस पे थोड़ा कम ज़्यादा तो करोगे ना? ठीक है। आपका नाम भैया? उपेंद्र यादव। हाँ, उपेंद्र यादव। अच्छा, उपेंद्र यादव जी। पैकिंग लेकिन सही से करना भैया, लास्ट टाइम 2.5 लीटर के आसपास पेट्रोल था, उस पर भी डायरेक्टली 5 लीटर का जा रहे हैं, देखते कितना पेट्रोल आते हैं। तीन लीटर के आसपास। हाँ, और भी होगा, थोड़ा इधर उधर करके देखो, इस साइड में, इस साइड में थोड़ा अंदर करके देखो, और भी होगा। हाँ, कीड़ा हो गया है ना, सब इधर डूब गया। देख लेता है एक बार, और एक बार देख लीजिए। नहीं है ना, क्या होगा, 2 लीटर के आसपास होगा, 2 लीटर के आसपास इस बार ही होगा। अभी तेल निकालने के बाद कपड़ा डाल के इसको फिर से चेक होगा, तो जितना भी रहेगा वो सोप हो जाएगा। बार भी सेम हो गया, तेल निकालने के बाद भी फिल्म स्टार्ट करा, गाड़ी स्टार्ट हो गया, कितना देर रहेगा आई डोंट नो। हाँ, 160 किलो, वैसे भारी ना। साइड सेंड लगाना। हाँ, साइड सेंड। 500 लीटर तो ऑफिसर आया था, गाड़ी चेक हो गया, स्टार्ट नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज फाइन नाउ, अब गाड़ी पैक हो सकता है। उससे पहले बिल करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा स्पॉन्ज पेपर देके पैकिंग हो रहा है, देख सकते हो आप, उसके ऊपर के ये धान की मंजी है, ऐसा करके दिशा में पैकिंग होगा।
रॉनिन ऑलमोस्ट पैक हो चुका है, ये सही है। हाँ ठीक है, इसके ऊपर मंजी वगैरह है, इसके नीचे स्पॉन्ज है, ऊपर से बस्ता है, तो इश्यूज होने नहीं चाहिए। इधर से बांधा जाएगा ऐसे, इसको बांधा जाएगा ताकि वो निकल के बाहर ना आ जाए। ओके सो फाइनली रॉनिन पैक हो चुका है, मेरे ख्याल से ANVT से बेटर पैक हुआ है। नीचे में स्पॉन्ज है, उसके ऊपर धान की मंजी है, उसके ऊपर ये बस्ता है, सामने भी ठीक ठाक है, कुछ नहीं होएगा, परफेक्टली ऑल राइट। लुकिंग ग्लास मैंने खोल दिया और पीछे से देखो टाइट है, ये भी ठीक है, परफेक्ट। तो ये आ गया सियालदह स्टेशन, ये है इंडियन फ्लैग। रॉनिन पैक हो गया, अच्छे से पैक किया है। टोटल खर्चा आया सिर्फ गाड़ी का 3507 3507 रुपया, और पैकिंग चार्ज लगा 500 रुपीज़, और तेल निकला था 2.5 लीटर के आसपास, वो मैंने दे दिया, 600 रुपया मांग रहा था, तो इसलिए वो 100 रुपया डिस्काउंट दिया। और गाड़ी छोड़ेगी 12 नंबर प्लेटफॉर्म से, तो अभी मैं जा रहा हूँ उसी साइड पे। मैंने लगेज रूम पे अपना लगेज रख दिया क्योंकि ट्रेन है 4:50 पे, तो अभी कुछ कर नहीं सकते, मतलब कुछ करने का तो है नहीं। बैठते हैं स्टेशन पे, यहाँ पे KFC से लेके सब कुछ है। Hey guys, so ट्रेन का जो खर्चा आया, गाड़ी का 3507 जो मैंने पहले भी बताया, ये रहा इसका बिल, आप लोगों को दिख रहा है 3507 ये टोटल बिल है इसका। खतरनाक, देखो मेरा बाइक चढ़ गया है उसके ऊपर इतना सारा सामान, क्या है इसमें? हल्का है, रुआ है, कोई टेंशन नहीं है ना? अब कोई टेंशन नहीं है, पर भी नहीं, आराम से जाएगा, आराम से। चलो बाइक तो चढ़ गया आराम से, उसके ऊपर रुआ है, हल्का सा है, तो कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं होगा, अंधकार है, एडजस्ट कर लो। ट्रेन लग गया 3:30, बाइक भी चढ़ गया लगेज में, तो सही सलामत चढ़ा है, लेट सी इसके बाद क्या होगा आई डोंट नो, जब उतरेगा तब देखेंगे और क्या टूटा है। तो चलो चलते हैं कोच पे। तो ये है बाथरूम, हैंड वॉश बहुत सही है, पानी नहीं मिला, मिक्स किया नहीं है। ये है टैप, पानी बहुत सही से आ रहा है, एकदम फुल फोर्स। ये है टॉयलेट पेपर रखा हुआ है, कोमोट बहुत सही है, साफ़ सुथरा, ये भी टॉयलेट पेपर है, तो देखा जाए बहुत सही है। और एक चीज़ है, डस्टबिन यहाँ पे एक दिया हुआ है यूज़ करने के लिए, तो फिलहाल बाथरूम तो A1 है, बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली 4:50 पे ट्रेन छोड़ दिया था और अभी हो गया है 7:20 और मैं पहुंच गया हूँ आसनसोल जंक्शन पे। तो यहाँ पे ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है और इसके बाद फिर से चल देंगे, वैसे भी ट्रेन में कुछ करने का तो है नहीं, सो अभी मैं आसनसोल जंक्शन क्रॉस कर रहा हूँ। तो अभी मैं खाना वाना खा के एकदम सो जाऊंगा और मिलते हैं एकदम कल सुबह। वैसे भी तो अच्छा तो नहीं लग रहा है, मन ख़राब है, सो जाते हैं, सबसे बेटर काम यही है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी टाइम हो चुका है 6:15, एक घंटा ट्रेन लेट चल रहा है, अभी मैं हूँ कानपुर स्टेशन पर।
यहाँ से और 5.5-6 घंटे लगेगा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुँचने में। सो मोस्टली 11:20-11:30 तक मैं पहुँच ही जाऊँगा। तब तक ये आजू बाजू का सीनरी मैं देखते देखते चलो पहुँचते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और वहाँ पे जाके आप लोगों से बात करेंगे। पहुंच गया मैं, बस 8-10 मिनट लेट था और गाड़ी भी पहुंच गई, उतर भी गई गाड़ी से, ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ फिलहाल। कितना पैसा लोगे भैया? पेट्रोल पंप तक जाएगा, आपका सारा काम करवा के देंगे, गेट पास जो आपके नाम की रसीद है आप बनवाओगे। अच्छा, मैं आपको पेट्रोल पंप पे छोड़ के दूंगा 650 रुपीज़। 650 रुपीज़ किस बात का? बस छोड़ने का भाई रहन दे यार, काम भी बाकी है। क्या काम बाकी है सर? इसमें गेट पास वगैरह बनेगा, ये पूरा माल उतरेगा आपके। तो ये तो पार्सल ऑफिस तक छोड़ दो, उसके बाद गेट पास तो मैं बनवा लूंगा, मेरे पास तो रिसीव है। आप चाहते हो मैं खुद कर लूँ तो आप करवा लो अपने आप। पार्सल ऑफिस तक पहुँचा दो बस। प्राइवेट है, हम आदमी सरकारी आदमी नहीं है। सरकारी आदमी आएगा ना पार्सल ऑफिस से? फाइनली बाइक निकाल लिया मैंने, 150 रुपये फिर भी लगा पेट्रोल पंप तक पहुँचा देने के लिए, क्योंकि मेरे पास लगेज था। फिर आके ये भाई साहब से दुकान से चाय पी लिया और गाड़ी वहाँ पे खड़ी है। चलो अभी निकलते हैं। सो गाइस, चाय वाय पी लिया और यहाँ से दिखा रहा है ग्रेटर नोएडा मेरा पीजी, 43 किलोमीटर, 58 मिनट्स लगेगा। तो चलो घुमा के निकलते हैं इधर से और सीधा पहुँचते हैं अपनी पीजी पे। तेल डलवा लिया, 171 किलोमीटर ड्यूटी दिखा रहा है। हाँ भैया, कैमरा है, हंस दो थोड़ा, दिख रहे हो आप? आप दिख रहे हो? तो चलो जर्नी सफ़र स्टार्ट करते हैं। इधर गोल चक्कर से मुझे लेना पड़ेगा, ये मैंने कर लिया वाइज़र क्लोज। यहाँ से यू टर्न लेके सीधा जाना पड़ेगा मुझे। यहाँ का जो प्रोसीड्योर है यार, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आ रहे हो तो ब्रोकर से बच के रहना, हर स्टेप पे आपको ब्रोकर मिलेगा और सारे ब्रोकर आपसे ना किसी भी तरीके से पैसा मांगेगा। तो मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। पहले जब मैं गाड़ी से उतरा उसके बाद मैं पहले देखने गया मेरा गाड़ी पार्सल वैन से उतरा कि नहीं उतरा। तो मैंने जाकर देखा पार्सल वैन से गाड़ी उतर गया, सब कुछ ठीक ठाक है। तो वहाँ पे एक ब्रोकर मिल गया, तो ब्रोकर ने मुझे बताया आपका सारा काम मैं कर दूँगा, पेट्रोल पम्प तक लेके जाऊँगा अपना आपका गाड़ी पेट्रोल भरवाने के लिए। मैंने बोला ठीक है, आप सब कुछ कर दोगे तो कितना लोगे? तो बोला 650 रुपया। मैंने बोला भाई साहब ये काम तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत था, ये पूरा काम मैं नहीं कर सकता था। फिर मैं क्या करा, लगेज सेक्शन पे गया, अपना गेट पास ले लिए। उसके बाद फिर प्लेटफॉर्म पे आया, वहाँ पे जो ऑफिसर था उसको गेट पास दे दिया। फिर प्लेटफॉर्म का ऑफिसर ने बताया कि आप जो पैकेज है ना, पैकेजिंग, तो इधर नहीं खोल सकते, आपको पैकेजिंग प्लेटफॉर्म से बाहर एकदम निकल के खोलना पड़ेगा। तो मैंने उसको कहा कि मैं भाई लगेज लेके गाड़ी कैसे लेके जाऊं पैकेज के साथ? तो उसने बोला ये मुझे नहीं पता, आपको करना है, यहाँ पे आप नहीं खोल सकते हैं। मैंने बोला चलो तो क्या करूँ, मेरे पास लगेज था वो तो मैं लेके नहीं जा सकता था, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, एक कूली लेना पड़ा। फिर मैंने उसको बोला कि भाई पेट्रोल पम्प तक पहुँचा दो, आप कितना लोगे? तो उसने बोला मुझे 250 रुपया दे दो, मैं पैकेज खोल दूंगा और पेट्रोल पंप तक छोड़ दूंगा। फिर उसके साथ बार्गेन करके 150 रुपये में फिक्स हुआ। फिर उसने पैकेज खोल दिया, पेट्रोल पंप तक गाड़ी लेके आया और मैं वहाँ पे पेट्रोल फिल कराया। उसके बाद उसको मैं जब पैसा दिया तब भाई साहब बोल रहे देखो इतना दूर है तो आप 150 रुपये ना दो, थोड़ा ज़्यादा दे दो। मैंने बोला भाई इतना दूर तक अगर गाड़ी का पैकेज खोलने देता तो मैं खुद ही लेके आ जाता, कोई टेंशन नहीं था।
फिर ये वो करके करके वो भाई साहब 180 रुपया लिया मेरे से। तो आप इस ब्रोकर के चक्कर में मत रहना, आराम से गेट पास लेके, अगर आपके पास लगेज नहीं है तो आराम से, थोड़ा बहुत दूरी है पेट्रोल पंप, आराम से आप लोग ये काम कर सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। तो ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। लेकिन हाँ, न्यू दिल्ली स्टेशन में ब्रोकर बहुत है, बहुत ब्रोकर है। सो अभी अभी दिल्ली पुलिस ने पकड़ा वेस्ट बंगाल का नंबर देख के। तो पुलिस ने पूछा कि कौन सा मॉडल का गाड़ी है, टीवीएस का कौन सा मॉडल है, कब लॉन्च किया, आपने कब ख़रीदा। फिर उन लोगों ने मेरा नंबर से लेके चेक करा मैंने अपना नाम वगैरह बताया, तो बोला ठीक है ठीक है, आप कुछ दिखाना नहीं पड़ेगा तो आप चले जाओ। ये होता है, मतलब क्योंकि ये दूसरे स्टेट का गाड़ी है ना, तो ये फर्स्ट टाइम है, मैं यहाँ से लास्ट 6 महीने से रह रहा हूँ ना, ये फर्स्ट टाइम है जो पुलिस ने रोका। लेकिन इससे पहले आज तक पुलिस ने नहीं रोका मुझे, क्योंकि गाड़ी का हर एक डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, पॉल्यूशन से लेके इंश्योरेंस से लेके एवरीथिंग। अभी भी 36 किलोमीटर बाकी है, रास्ता तो सीधा ही दिखा रहा है, मैं यहाँ पे नया हूँ, रास्ता लेके बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, तो इसलिए मुझे ऑलवेज गूगल मैप देख देख के जाना पड़ता है। दिल्ली को छोड़ के नोएडा एंटर कर रहा हूँ अभी मैं, तो ये दिल्ली को कर दिया बाय बाय, नोएडा में एंटर हो गया। लेकिन मुझे जाना है ग्रेटर नोएडा। सो फाइनली मैं पहुँच गया नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यहाँ से और 27 किलोमीटर है मेरा पीजी। एनवीटी रेलवे स्टेशन से जब मैं अपना बाइक पार्सल किया था, और उसके बाद जब मैं सियालदा न्यू दिल्ली बाइक पार्सल करके लेके जा रहा हूँ, दोनों का एक्सपीरियंस कम्प्लीटली डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का प्राइस तो डिफरेंट है। जब मैं एनवीटी से सातरागाछी तक करा था, मेरा खर्चा आया था 2786, उसके बाद पैकेजिंग जो हुआ था। लेकिन जब मैं राजधानी सियालदा न्यू दिल्ली एक्सप्रेस पे मैं अपना रॉनिन लेके आया, सिर्फ मेरा गाड़ी का खर्चा आया 3507, मतलब 3507 रुपये, और उसके बाद 500 रुपीज़ पैकेजिंग चार्ज, उसके बाद जो तेल गया तो वो गया, तो कुल मिला के मेरा टोटल खर्चा आ गया 4007 रुपया। उसके बाद मैं जब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आया, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मैंने पे करा 180 रुपीज़ सिर्फ गाड़ी को पैकेज खुलवाने के लिए और पेट्रोल पंप तक लेके जाने के लिए 180 रुपीज़। तो टोटल खर्चा आ गया मेरा 4187 रुपीज़। तो सियालदा से जो पैकेजिंग किया था बाइक का, तो वो बहुत ही अच्छा था। नीचे में मैंने आपको दिखाया इससे पहले जो पैकिंग हो रहा था, नीचे एक स्पॉन्ज टाइप का कुछ दिया हुआ था, उसके ऊपर मंजी, उसके ऊपर जो बोरा का मतलब बस्ता होता है वो डाल दिया था। तो गाड़ी पूरा सेफ था, कोई प्रॉब्लम नहीं, खरोच भी नहीं आया गाड़ी में, बहुत अच्छे से उसने चरवाया था। बल्कि मैं उस टाइम पे नहीं था जब गाड़ी नीचे करवाया था, मतलब उतरवाया था, तब भी मैं नहीं था, बट गाड़ी में कोई प्रॉब्लम लेकिन नहीं था। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस सियालदा टू न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस वॉज रियली वेरी गुड। लेकिन हाँ, एक्सपेंसिव है। अगर मैं ये प्राइवेट में करता, गाड़ी का पैकेजिंग तो अच्छा होता। वो उसका भी एक वीडियो है, जब मैं पहली बार अपना रॉनिन लेके आया था, वो प्राइवेट में लेके आया था, तो उसमें खर्चा आया था नियर अबाउट 6200 के आसपास विथ GST बिल एंड एवरीथिंग। बट यहाँ पे मेरा खर्चा आया ट्रेन पे राजधानी एक्सप्रेस पे 4187 रुपया, मतलब 4187 रुपीज़। बट एक्सपीरियंस इज़ गुड कंपेयर टू एनवीटी ने तो मेरा पीछे का नंबर प्लेट ही तोड़ दिया, अभी उसको भी फिक्स करना पड़ेगा, तो ये भी एक काम बाकी है। बस ये था ओवरऑल एक्सपीरियंस। और अभी मैं ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे के थ्रू राइड एंजॉय करते करते अपना पीजी लौट रहा हूँ। तो घर से मतलब रिटर्न आने का गम तो है, बट क्या करें, ऑफिस भी जाना है, पैसा भी कमाना है, ये तो भाई लाइफ है, क्या कर सकते हैं इसमें।
तो लेकिन अगर मैं कोलकाता रहता, दुर्गा पूजा उसके बाद काली पूजा, लक्ष्मी पूजा तो मैं करके ही आया, उसके बाद काली पूजा, उसके बाद जगत धरती पूजा, बहुत ढेर सारा फेस्टिवल्स, अभी तो फेस्टिवल सीजन ही है। बट हाँ, नोएडा में दिवाली देखने को मिलेगा। आई डोंट नो कैसा होता है, कभी मैं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है नोएडा दिल्ली में दिवाली, तो देखूंगा कैसा होता है यहाँ पे दिवाली, कैसे मनाया जाता है, आप लोगों ने दुर्गा पूजा हम लोग कैसे मनाते हैं ये वीडियो तो देख ही लिया होगा। बहुत सारे शॉर्ट्स है मेरे चैनल पे, दिल्ली टू कोलकाता बोल के जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको बहुत सारे शॉर्ट्स मिल जाएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट पूजा पैंडल नॉर्थ का, साउथ का, मतलब नॉर्थ कोलकाता साउथ कोलकाता का मैंने एक्सप्लोर किया है, और सारे पैंडल्स मैं शॉर्ट के थ्रू आपको दिखाया है। तो अगर आपको देखना है सो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे आ जाइए, दिल्ली टू कोलकाता प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे सारे शॉर्ट्स और एक लॉन्ग वीडियो मिल जाएगा पूजा परिक्रमा का। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोलकाता में हम लोग दुर्गा पूजा फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करते हैं। रॉनिन तो फिलहाल कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बहुत स्मूथ जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेन पे लेके गया मैं, ट्रेन से फिर से लेके आ गया मैं रॉनिन ग्रेटर नोएडा वापस, तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं शिवाय मेरा पीछे का नंबर प्लेट टूटा है, उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है। गाड़ी एकदम गुड कंडीशन में है, सब कुछ ठीक ठाक है, और मैंने पूजा भी अच्छे से घूम लिया और बाइक भी लेके आ गया, और कल से ऑफिस भी ज्वाइन करना है, यही है। लाइफ टू रैम्बल, लाइफ देन न्यूमेरिक टू रैम्बल, हाँ कोई नहीं, बंगाल जा रहे हो क्या? हाँ वहाँ से आ रहा हूँ, वेस्ट बंगाल से। हाँ तो अपकमिंग डेज, अभी तो विंटर सीजन आ रहा है तो जम के राइड करेंगे, बहुत सारा प्लान है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वन बाय वन, और आप लोगों को अच्छा अच्छा राइड देखने को मिलेगा। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों को गिफ्ट करूंगा, और अगर ये वाला वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा आपको तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, इससे मेरा मोटिवेशन बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा अच्छा ब्लॉग लाएंगे और इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लाएंगे, मैं जाऊंगा मोटो ब्लॉगिंग करूंगा, ट्रैवल करूंगा, ट्रैवल ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन वो इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग होगा, ताकि उसके बाद आप इन फ्यूचर कभी भी प्लान करते हो ना, सारे इन्फॉर्मेशन उस पर रहेगा। तो फाइनली मैं आ गया बरी चौक, तो फिर आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, और ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसा लगा ये ब्लॉग। मेरा भी बहुत मन था कि यहाँ से दिल्ली, मतलब दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता टू दिल्ली पूरा बाइक में अपना सफ़र करूँ, चलो इस बार छुट्टी नहीं मिला, न्यूली कंपनी में ज्वाइन किया, तो कोशिश करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब छुट्टी लूँगा इसके बाद वो मैं बाइक पे ही सफ़र, मतलब रॉनिन पे ही अपना दिल्ली टू कोलकाता सफ़र करूँ, और आप लोगों को दिखाऊँ कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है रॉनिन। ऐसे भी जब नया नया ख़रीदा था तब मैं कोलकाता टू लखनऊ एक सफ़र किया था, तो अगर आप चाहो तो आप रेफ़र कर सकते हो कोलकाता टू लखनऊ रॉनिन पे, तो वो दो दिन पे मैंने करा था, मैं फर्स्ट डे बोधगया पे रुका था और उसके बाद मैं लखनऊ पहुंचा था। तो और भी बहुत सारा वीडियोस है उत्तराखंड का, कार्तिक स्वामी टेम्पल, ऋषिकेश वगैरह, मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो, अच्छा अच्छा लगेगा आप लोगों को, और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो फिलहाल आज का वीडियो यहाँ तक ही, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपका सजेशन है सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना, मैं ऑलवेज़ ट्राई करूँगा उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो फिलहाल फॉर द टाइमिंग अच्छा रहो, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।